शुभारंभ, भव्य आयोजन और पूरा रायगढ़ राममय और उसके साथ पूरा छत्तीसगढ़ भी और विभिन्न राज्यों के कलाकारों के साथ विदेशी कलाकार भी आए हैं जो आकर्षण का मुख्य केंद्र रहा है। आज भी बड़े कलाकार और बड़ी टीमें आज उसे प्रदर्शन करेंगे। कल भी ठाकुर क्या नाम जो भजन गायिका है मैथिली ठाकुर और कुमार विश्वास दो बड़े कार्यक्रम और केलो आरती तो कल शामिल होगा। आज तो संभागी सम्मेलन है कांग्रेस पार्टी का, उसमें शामिल होने जा रहा हूँ। बस्तर में शंखनाद कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की रोड मैप बना ली है, केंद्रीय नेताओं के साथ रोड मैप बना है, आपने वन धन सब तो ले लिया है, अब किस मुद्दों पे ये चुनाव लड़ेंगे? अब ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाना चाहिए, क्योंकि हम तो छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, जो छत्तीसगढ़ की जो खूबसूरती है, प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक सौंदर्य तो है ही, लेकिन यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं और उन परंपराओं को संस्कृति को सहेज के जो हजारों साल से हमारी जो संस्कृति है उसको भी सहेज के लेके चल रहे हैं, तो ये छत्तीसगढ़ की खूबसूरती है जो और उसकी खुशबू है वो पूरे देश और दुनिया में फैल रही है। सर, राहुल गांधी ने केरल की मुस्लिम लीग पार्टी को सेकुलर कहा है, लेकिन जो पार्टी देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार थी उसे सेकुलर कैसे कहा जाता है? अजीब सी बात है, जिन्ना की मुस्लिम लीग अलग है और यहाँ केरल में मुस्लिम लीग है वो अलग है, और वो यदि वहाँ के मुस्लिम लीग है पाकिस्तान वाले तो आज तक के तो उसके रजिस्ट्रेशन समाप्त हो जाता, लेकिन दिग्भ्रमित करने के लिए लगातार इस प्रकार की बातें वो कर रहे हैं। देखिए एक चीज़ है, पहले जब राहुल गांधी जी जब अध्यक्ष थे तब कहते परिवारवाद चला रहे हैं, उन्होंने अध्यक्ष पद त्याग दिया, उसके बाद भी राहुल गांधी की लोकप्रियता में कमी नहीं आई और भारत जोड़ो यात्रा में निकले तो उन्होंने उनकी सदस्यता ले ली। मतलब अभी तक के हिंदुस्तान में डिफेमेशन केस में इतनी बड़ी सज़ा किसी को नहीं मिली है जितना राहुल गांधी जी को दिया गया। आज तो एक सामान्य नागरिक हैं, कांग्रेस के नेता हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी की इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? मतलब खुद ही मानते हैं कि राहुल गांधी जी ही देश के सबसे बड़े नेता हैं और इस कारण से पूरे केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अब तो मोहन भागवत जी भी कूद पड़े हैं। तो मोहन भागवत जी कहते हैं कि विदेश में जाकर जो देश के क्या शब्द प्रयोग किया, देश के अपमान करते हैं तो वो देश विरोधी हैं। तो सबसे पहले मोहन भागवत जी, जब प्रधानमंत्री जी विदेश में जाकर ये कहते हैं कि भारत में पैदा होना दुर्भाग्य की बात है, ये उन्होंने कहा था, आर्यघाट कहा था, विदेश में जाकर कहा था, तब मोहन भागवत जी क्या कुंभकर्णी नींद में सोए हुए थे? तब उनको नहीं बताना था कि ये भारत का अपमान है, देश का अपमान है? और उस समय यदि बोले होते तब बात समझ आती। मोहन भागवत जी, आप सांस्कृतिक संगठन के अध्यक्ष हैं, आपसे उम्मीद की जाती है आप निष्पक्ष रहें, आप निष्पक्ष दिखने के भी प्रयास नहीं कर रहे हैं। ये कहा है सांस्कृतिक संगठन, ठीक है? चुनाव से पहले बीजेपी अपने को लेकर जाने की बात कह रही है, तो सबको तो निपटाते जा रहे हैं, 14 लोगों को टिकट भी नहीं मिलने वाली है। नंद कुमार साय जी हमारे तरफ आ गए तो और फिर वो पुराने बस्ते कहाँ हैं, ठीक है? सर, नक्सलियों ने पखांजूर में महिला पहलवानों के समर्थन में पर्चे और बैनर लगाए हैं और उन्होंने केंद्र की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नीति का खुलकर विरोध किया और मिथ्या करार दिया। देखिए उसके संगठन के अपने विचार हैं, उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। नक्सलियों से हमारी लड़ाई है, हम लड़ रहे हैं।
किसी मुद्दे पे कोई विचार व्यक्त करते हैं तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन पूरे देश उन पहलवान बेटियों के साथ खड़ी है और जो न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश होने के बावजूद दिल्ली पुलिस जो केंद्र सरकार के अधीन है उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वो जो पहलवान संघ के अध्यक्ष हैं ब्रिजभूषण, उसको आखिर केंद्र सरकार बचा क्यों रही है? For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.